चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताइए मुझे ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस और ये एस्ट्रिक, इसको क्या लिख सकते हैं चैट करके बताओ मुझे। ये लिखा है ए प्लस बी प्लस और होल एस्ट्रिक, क्या लिख सकते हैं इसको देख के बताइए मुझे। देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन जनरेट कर सकते हैं क्या, यस या नो चैट करे बताओ, यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन जनरेट कर सकते हैं क्या। महिमा देखो ए प्लस बी का मीनिंग देखो क्या हो रहा है, पहले देखते हैं इसको, ठीक है। पहले आप बोल रहे हो ए प्लस बी का, देखो इसका मीनिंग देखो क्या है अभी यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पहले यहाँ तक क्लियर हो गया, यस ठीक। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंगल ए जनरेट कर सकता हूँ क्या, चैट करके तो यहाँ पर मैं सिंगल ए लिख सकता हूँ क्या, यस या नो सिंगल ए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना सिंगल ए, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते सिंगल ए चाह के भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पर ए प्लस बी के एस्ट्रिक ये इक्वल, ऐसा नहीं, नॉट इक्वल, ठीक है यहाँ पर, यस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस का होल एस्ट्रिक को हम लोग ए प्लस बी का यहाँ पर होल एस्ट्रिक नहीं लिख सकते, यस ठीक है। अब मुझे बताओ अगर आप ये लिखते हो, समझना दिव्य, यहाँ पे देखिए दिव्य, देखिए यहाँ पर महिमा आप भी देखो, जैसे ए प्लस बी लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पे तो ए बी आ गया। अगर मैंने पावर टू कर दिया तो क्या लिखोगे, अगर दिव्य पावर टू कर दिया यहाँ पर तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना ए बी और ए बी, यस या नो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी, यस या नो। फिर मैंने पावर थ्री कर दिया तो क्या लिखोगे, ए बी और ए बी, यस या नो। आपने बोला इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा चलेगा, यस। पर ये बताओ यहाँ पर तो ऐसा भी आ सकता है, तो बताओ यहाँ पर बी के बाद में कभी ए, देखो ध्यान से यहाँ पर ये एस्ट्रिक लगाया, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। पर ये बताओ यहाँ पर हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ट्रिपल ए बी भी कर सकते हैं, यस। पर आपके अकॉर्डिंग कभी ये स्ट्रिंग आएगी क्या बताओ मुझे, इसमें कभी ये स्ट्रिंग आएगी क्या, यस या नो, नहीं आएगी ना, यस। ये तो गलत है ना, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्लियर है, ये सबको क्लियर हो गया, चैट करके बताओ ये समझ में आ गया सबको, डिफरेंस सबको समझ में आ गया, यस या नो, क्लियर सबको, क्लियर है कैसे हो रहा है यहाँ पर, यस या नो, ठीक।